जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन अजमेर में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय वन पर्यावरण श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता का भरपूर प्यार मिला है। इस तरह का समर्थन देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार की विदाई तय हो चुकी है। लंबे समय तक के लिए यह भाजपा की सरकार आने वाली है। राजस्थान में वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है, सरकार से ज्यादा राजस्थान की हालत चिंताजनक है। मैंने दिल्ली की यात्रा में भी कहा था, हम 3 साल से देख रहे हैं और दिल्ली में लोग कहते हैं कि सरकार कम चलती है और एक मूवी ज्यादा चलती है, किस्सा कुर्सी का। कभी कुर्सी पायलट साहब की तरफ जाती नजर आती, कभी गहलोत साहब की तरफ, और बार बार रेफरी बन के दिल्ली के पर्यवेक्षक आते हैं। और राजस्थान के नेता कहते हैं कि कोविड के इस कार्यकाल में सरकार पहले तो होटल में बंद रही और अब मुख्यमंत्री जी अपने आवास से नहीं निकल रहे। कोविड की इस महामारी में हमने ये भी देखा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टीकों की अगर बर्बादी हुई तो राजस्थान में, जो सरकार अपने आप में असंतोष की शिकार, जो सरकार अपने आप में षड्यंत्रों की शिकार, जो सरकार अपने आप में एक दूसरे पर शक कर रही है, उसने जनता को पूरी तरीके से बदहाल करके रखा है। और मैं जितने भी ग्रामीण इलाकों में से आया हूं, मेरे को लगा कि ग्रामीण इलाकों में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे से सारे विषय रखे, मैं जगह पे कह रहा हूं 2023 में इस सरकार की विदाई तय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ के राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और सुशासन के रास्ते पे हम राजस्थान को फिर से आगे बढ़ाएंगे। खुद को राजस्थान के सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाने के सवाल को उन्होंने खारिज कर दिया। कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा उनका निजी कार्यक्रम ना होकर पूरी तरह से पार्टी का कार्यक्रम था। इससे पहले भी मैंने प्रदेश सहित कई राज्यों में संगठन के आदेशों पर कार्य किए हैं, इसलिए ऐसा माना जाना निराधार और अर्थहीन है। बाद में भी इसके प्रश्न और प्रतिप्रश्न आएंगे। जो आपका विषय मुख्यमंत्री वाले पूरी तरीके से निराधार है, इस विषय में किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है और ये प्रश्न अपने आप में ही निराधार है। आप उमेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन निराधार शब्द में आपको बहुत सोच समझ के कहें ये प्रश्न। मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते एक प्रदेश में नहीं, अनेकों प्रदेशों में जहाँ संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, वहां पर मैंने ईमानदारी से काम करे, इसलिए मेरी मैं ना तो दावेदार हूँ ना पार्टी ऐसा सोच रही है, दोनों ही बातें स्पष्टता है। अधिकतर पार्टी में पहला विषय आशीर्वाद यात्रा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मेघवाल सरीखे बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी पर भी भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा जी अपने निजी कारणों से यात्रा में नहीं आ पाए, इस संबंध में मेरी उनसे बात भी हुई थी, उनके नहीं आने के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश मेघवाल की उम्र ज़्यादा है, इसलिए वो नहीं आए। मेरी उनसे बात हुई है, अभी दिल्ली में जब सांसदों की बैठक हमने करी थी वो आई थी। पार्टी के हमारी वरिष्ठ और सम्मान्य नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पारिवारिक विषयों के कारण भी हम कभी किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचते, तो उसको कभी राजनीतिक अर्थ नहीं निकालने चाहिए। अशोक परनामी की यात्रा में मेरे साथ थे, आप अपने मीडिया के लोगों से फोटो मंगा लीजिए, आदर्श नगर गुरुद्वारे का कार्यक्रम ही उन्होंने किया था, पूरी तरीके से मेरे साथ थे। जहाँ तक हमारे मेघवाल जी हैं, मेरे बुजुर्ग वरिष्ठ हैं, अभी 90 वर्ष की आयु है, तो जन आशीर्वाद यात्रा है वो आयु की व्यवस्था के कारण नहीं है। और मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनका भी आशीर्वाद दूंगा।